आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार ने सरायमीर थाने में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अत्यधिक वर्षा और जलजमाव से इलाके में बीमारी की आशंका के मद्देनजर जनता से अपील की जाती है कि पीने का पानी को उबाल कर पिए और क्लोरीन टेबलेट का प्रयोग करें। ऐसा देखा गया है कि जब भी पानी जमाव होता है तो बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। अभी पानी निकलने में कुछ समय लगेगा। नगर पंचायत सरायमीर के ईओ को बता दिया गया है कि पाइपलाइनों को चेक करा ले। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि आप लोगों द्वारा बताया गया है कि लोगों द्वारा पानी निकासी के रास्तों व पुलियों व अन्य जगहों पर कब्जा कर ड्रेनेज को समाप्त कर दिया गया है, जिसके चलते सरायमीर में पानी निकासी की बड़ी विकट समस्या पैदा हो गई है और जल जमाव है, जिसके लिए तहसीलदार निजामाबाद, ईओ सरायमीर, इंस्पेक्टर सरायमीर की टीम ड्रेनेज का नक्शा निकालकर अतिक्रमण को हटवाकर पानी निकासी समस्या समाप्त कर पानी निकासी की समुचित व्यवस्था का आदेश दिया है। इससे पहले सरायमीर रेलवे स्टेशन के पूर्वी फाटक के पास जमा पानी निकासी का निरीक्षण कर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन आजमगढ़, डीपीआरओ लालजी दुबे, एडीओ पंचायत सुरेश प्रजापति ब्लॉक मिर्जापुर, तहसीलदार निजामाबाद रंग बहादुर, ईओ सरायमीर, चेयरमैन प्रतिनिधि राम प्रकाश यादव, लेखपाल सरायमीर व पवई लाड़पुर, मुकेश ब्लॉक कर्मचारीगण व अन्य लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से अबुल बशीर आजमी की ये रिपोर्ट। और हमारे जो सभी सभासदगण हैं या फिर कोई एनजीओज हैं या आपके कर्मचारी की टीम बना के जिन जिन जगहों पे जल जमाव है वहाँ पे क्लोरीन की टैबलेट वितरित करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि वहाँ पे क्लोरीन की टैबलेट डाल के ही पानी पिए। और अगले 10 और 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये पानी घटता है तो तब बीमारियाँ होने का डर रहता है, तो इसमें ये भी प्रचार प्रसार करेंगे कि उबला हुआ पानी पिए। मेरे आपसे भी अनुरोध है कि आपके माध्यम से भी ये चीज़ें लोगों तक पहुँचेंगी तो अच्छा रहेगा। एक तो उबाल के पानी पिए, सबसे सुरक्षित पानी वही होता है, और दूसरा क्लोरीन की टैबलेट का इस्तेमाल करें, और तीसरा जो नगर पालिका को निर्देश दिए हैं एक तो अपनी पाइपलाइन चेक कर लें, साथ में जो ड्रेनेज का जैसे आपके माध्यम से हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि पुराने ड्रेनेज जो है वो बंद कर दिए गए हैं, उन ड्रेनेज को पुराने हमारे नक्शे निकाल के तहसील और पुलिस और नगर पालिका नगर पंचायत तीनों मिल के उसको ड्रेनेज पैटर्न को समझेंगे और उस ड्रेनेज पैटर्न को वापस जीवित करेंगे, जिससे कि जो पानी का जल जमाव का जो पुराना ट्रेडिशनली ज्योग्राफिकल जो रूट है नालों के माध्यम से जो जाता है वो वापस जीवित हो सके और पानी की निकासी हो सके। ये चीज़ तीनों राजस्व, पुलिस और नगर पंचायत इन तीनों के अधिकारी मिलकर करेंगे। मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि आपकी जो जानकारी है, क्योंकि आप पुराने यहीं के वासी हैं, आप लोग ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, तो वो भी आप ज्ञान यहाँ पर देंगे। और मेरा सभी नागरिकों से भी यही अनुरोध है कि देखिए, अगर कहीं आपने कब्जा किया है तो जनहित में और आपके स्वयं के हित में ये है कि उस कब्जे को हटा लें, स्वतः खाली कर लें, बाकी अन्यथा प्रशासन और पुलिस के पास पूरे एक्ट और बाकी सभी प्रावधान है कि उसमें कार्रवाई करके वो कराया जा सकता है, तो ये पूरी व्यवस्था करेंगे। साथ में रेलवे की जो बात है उसमें SDM साहब और तहसीलदार साहब और इंस्पेक्टर साहब सब मिलकर रेलवे अथॉरिटी से बात करेंगे। हमने भी एक लेटर भेजा, हम भी उसको परस्यू करते हैं, अगर जो एक रूट बताया गया ऊपर तक नाला जाने का उसको भी चेक किया जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है मेरा आपके माध्यम से सभी यहाँ के आसपास के गांव और नगर पंचायत के नागरिकों से कि अगले 15-20 दिन संभल के रहें, पानी का शुद्ध पानी का इस्तेमाल करें, उसको उबाल के करें, क्लोरीन की टैबलेट डाल के यूज़ करें, और जो गंदे पानी में अगर जल जमा होगा देखो पानी को निकलने में समय लगेगा। नगर पालिका को मैंने ये भी कहा है कुछ पंप लगा के जहाँ पे कि आपका पानी निकलने की जगह नहीं है वहाँ पंप का भी इस्तेमाल करके उसको निकालें, तो उसमें धैर्य बनाए रखें, सभी लोगों से अनुरोध है, और स्वच्छ पानी का यूज़ करें तो बीमारी से हम लोग बच पाएं। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।